रोहिणी जिला की अमनविहार थाना पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए एक ऑटो लिफ्टर के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक रिसीवर समेत गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचा है। दरअसल रोहिणी जिले के DCP डॉक्टर गुरिकबाल सिंह सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में स्नेचिंग और ऑटो लिफ्टिंग जैसी घटनाओं को रोकने के मकसद से ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया है। इसी अभियान के तहत बीते 29 जून को अमनविहार थाना पुलिस के स्टाफ क्षेत्र में पुलिस पिकेट लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। चेकिंग के दौरान उन्होंने 2 मोटरसाइकिल सवारों को सुल्तानपुर टर्मिनल की ओर से आते देखा। मोटरसाइकिल सवार पुलिस टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जांच पर पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी की है। दोनों की पहचान विवेक सोमानी और आकाश के रूप में हुई। DCP डॉक्टर गुरिकबाल सिंह सिद्धू के मुताबिक लगातार पूछताछ करने पर उन्होंने अपने एक और साथी गौरव का खुलासा किया। जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने गौरव के साथ मिलकर 3-4 दिन पहले अमन विहार से एक और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी की निशानदेही पर गौरव को भी उसके घर से दबोच लिया गया और साथ में एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आगे की जांच के दौरान विवेक और आकाश ने खुलासा किया कि वे आमतौर पर इन चोरी के वाहनों को सुजीत रॉय और राजू बंगाली को बेचते हैं, जिसके बाद चोरी की संपत्ति के रिसीवर राजू बंगाली को भी उसके घर से पकड़ लिया। इस दौरान उसके घर से 2 और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई, जो महिंद्रा पार्क और शाहबाद डेयरी से चोरी की गई थी। जिले के DCP के मुताबिक आरोपियों में विवेक सोमानी स्कूल ड्रॉप आउट है और नशे का आदी है, जबकि गौरव पर पहले भी चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज हैं। फिलहाल अब ये चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस अब इन आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। इसके अलावा पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ऑटो लिफ्टिंग के ही 5 मामलों को सुलझाने का दावा किया है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।